क्या आपको भी लगता है कि आपको चंट और चलाक बनना है, क्योंकि आपके घर वाले, आपके पड़ोस, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त सब यही कहते हैं कि तू बहुत ही भोला है यार, इतना भोला क्यों है, तेरा गुजारा कैसे होगा। आपके अंदर से एक फीलिंग आती है कि काश मैं भी चंट और चलाक होता, स्मार्ट होता, इंटेलिजेंट होता। अगर आपको ऐसा लगता है तो भाई एक अच्छी खबर है कि आप ऐसा बन सकते हो। उसके लिए क्या करना है, तीन बातें बताऊंगा, छोटी छोटी प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा, उसको समझना है, उसको अप्लाई जरूर करना है। पहली बात यहाँ पर क्या है, पहली बात यहाँ पर यह कि सामने वाले को वो समझाओ जो समझना चाहता है, वो सुनाओ जो सुनना चाहता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो वही समझेगा जो समझना चाहता है और वही सुनेगा जो सुनना चाहता है। कंफ्यूजिंग हो गया, थोड़ा आराम से बताता हूँ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक बंदा एक बंदी आपके पास आती है, आता है और बोलता है कि भाई मुझे उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, कहते एकदम गुस्से में, और तुम क्या करते हो, ज्ञान देते हो कि यार उसने तुम्हारी भलाई के लिए तो किया था, अगर वो ऐसा ना करता तो ये हो जाता, यार ऐसे क्यों सोच रहा है यार, उसने तेरे अच्छे के लिए किया था। लेकिन सामने वाला बंदा है गुस्से में तुम्हारी घंटा कुछ नहीं सुनने का, बोलता तुम्हारे ऊपर और गुस्सा हो जाएगा कि तू तो मुझे समझता ही नहीं है, तो ऐसा है, तो उसके जैसा ये भाई हट। और यहीं पर तुम गलत और सही को सब साइड में रख के उसका सपोर्ट करते कि यार तू तो एकदम सही, यार उसने ऐसा क्यों किया, वो तो गलत है यार, तो एकदम सही है, तूने जो कि एकदम अच्छा किया, चाहे गलत किया, चाहे सही किया, अच्छा किया। तो देखो सामने वाला कितना खुश हो जाता है कि यार तेरे से अच्छा दोस्त तो मेरा है ही नहीं, तो इस दुनिया में सबसे अच्छा आदमी है, तू तो भाई जिगरी दोस्त है। तो यही होता है मेरे भाई, सामने वाला वही सुनना चाहता है जो सुनना चाहता है, वही समझना चाहता है जो समझना चाहता है। तो क्यों ना तुम उनको वही समझाओ, वही सुनाओ, क्योंकि इस दुनिया में अगर तुम ज्ञान देने के लिए बैठोगे तो भाई आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो उसको चाहिए वो उसको दे दो, जो उसको सुनना है उसको सुना दो, क्या लेना देना यार तुमको, तुम भी खुश वो भी खुश, बस दुनिया ऐश में चलेगी यार। दूसरी बात यहाँ पर कि कभी भी अंधा ट्रस्ट मत करो, डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली। प्यार है, मोहब्बत है, दोस्ती है, बेस्ट फ्रेंडशिप है, पता नहीं क्या क्या, और तुम अंधा ही ट्रस्ट कर रहे हो, लेकिन मेरे भाई इससे कुछ नहीं होता, सिर्फ कटता है। देखो ये जो भी होते हैं ना भाई, प्यार, मोहब्बत, इश्क, दोस्ती और पता नहीं क्या क्या होता है, ये लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। हाँ मैं मानता हूँ कि तुम्हें उससे प्यार है, मैं मानता हूँ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, मैं मानता हूँ तुम्हारी उससे दोस्ती है, जिगरी यारी है, वो कब तक होगी, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगी। मैं मानता हूँ कि आज के पीरियड ऑफ टाइम में तुम्हारी बंदी है, बेस्ट फ्रेंड है, या जिगरी यार है, या जो भी है, तुम भी उस पर ट्रस्ट करते हो, वो भी तुम्हारे पे ट्रस्ट करता है, लेकिन वॉट इफ तुम्हारी लड़ाई हो जाती है, वॉट इफ एक थर्ड पर्सन आता है जो कि तुम्हारे बारे में बुराई करता है, तो सामने वाला क्या करेगा, तुम्हारा सपोर्ट तो करेगा नहीं, तुम्हारी अच्छाइयां तो बताएगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो तुमसे गुस्सा है। तो क्या करता है, तुमने जो सीक्रेट्स बताए थे कभी रात में कभी दिन में, बहुत ही प्यारे प्यारे डीप सीक्रेट्स, डार्क सीक्रेट्स, वो सारे रिवील हो जाएंगे। मेरे भाई तुम तब तक अच्छे हो जब तक तुमसे अच्छा उसको कोई नहीं मिल जाता, जब उसको तुम्हारा रिप्लेसमेंट मिल जाता है तब वो तुमको रिप्लेस कर देता है या कर देती है। तो ब्रो ट्रस्ट करो, लेकिन उतना जितना चल सके ट्रस्ट करो, उतना जितना तुम पे करता है या करती है, उससे ज्यादा ट्रस्ट करोगे तो भाई एक बार फिर कहूंगा कटेगा जरूर। थर्ड पॉइंट है कि लोगों को खुश रखो। आपने सुना होगा कि हम लाइफ में खुद खुश रहने के लिए आए हैं, हमारी जिंदगी है, जैसे मर्जी वैसे जीऊंगा, सामने वाले को खुश करने के लिए थोड़ी आया हूं, इंप्रेस करने के लिए थोड़ी आया हूं, लेकिन ये सब बातें बकवास है। सच्चाई ये है कि अगर तुम्हारे आसपास के चार लोग तुमसे खुश होंगे तभी तुम खुश हो पाओगे। तुम अपने अंदर कितने ही तीर मार लो कि मैंने जो किया अच्छा किया, मैं तो अपनी जगह सही हूं ना, ये है वो, लेकिन वो टेंपरेरी होता है, वो खुशी टेंपरेरी होती है, परमानेंट बनाने के लिए आपको लोगों को खुश करना पड़ेगा। हां एट द सेम टाइम आपको ये नहीं देखना चाहिए कि आप सामने वाले को ही खुश करो, अपने आप को पहले खुश करो बाद में लोगों को खुश करो, लेकिन लोगों को खुश तो रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। देखो क्या होता है ना कि चार बंदे तुम्हारी तारीफ करते हैं ना तो पांचों अपने आप ही तुम्हारी अच्छाइयां ढूंढने लगता है कि यार कुछ तो अच्छा होगा ही, तभी तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर वो बुराई करते तो क्या होगा, वो बुराई ढूंढेगा, और ये बन जाती है चेन, इससे हो जाता है लिंक, और भैया आप हो जाते हो बुरे। तो अच्छे बनना है तो चार लोगों को खुश रखो, चार लोगों मतलब गिन के एक दो तीन चार नहीं, आसपास के लोगों को रखो। और एक और चीज याद रखना कि सबको अलग अलग तरीके से खुश रखा जाता है, किसी को बर्गर पसंद है, किसी को गोलगप्पे, तो जिसको गोलगप्पे पसंद है उसको गोलगप्पे खिलाओ, जिसको बर्गर पसंद है उसको बर्गर खिलाओ। कुछ समझ में आया क्या, आया ही होगा, अगर आपको आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और हां मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना ताकि आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी इश्यूज है, उसको मैं सॉल्व कर पाऊं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और यूजर नेम है arpit_love_gems, सर्च करो और भाई फॉलो जरूर करना। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी आती है उसको प्लीज दबा देना, और भाई वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।